स्वागत है आप सभी का म्यूजिकल टैक यूट्यूब चैनल में। मैं हूं रितेश कर और आज आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आ चुका हूं। तो गाइस, जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज मैं आपको कुछ ऐसी तीन बेस्ट वेबसाइट्स के बारे में बताने वाला हूं जो कि आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा काम आने वाली है, चाहे आप एक स्टूडेंट है, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, फिर कोई जॉब कर रहे हैं, बहुत बहुत ज्यादा काम आने वाली है क्योंकि वो वेबसाइट्स आज के जमाने के लिए कंप्यूटर के लिए फोन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे एक एडिटर हो, कंप्यूटर पर वर्क करते हो, कोई भी वर्क करते हो, ये तीन वेबसाइट्स आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। ओके गाइस, तो ये तीन वेबसाइट्स बहुत ज्यादा कंपल्सरी है आपको देखना। और मैं आपको इतना ही बताना चाहूंगा कि ये ऐप्स जो आप डाउनलोड करते हैं बहुत सारे, वो आपके ऐप्स को भी डाउनलोड नहीं करवा पाएंगे। एवरी वेबसाइट आपकी ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड में आपको रिजल्ट दे देती है कोई भी चीज का। तो मैं आपको गैस ही बता देता हूँ, मतलब आपको बता देता हूँ किस तरह से करना होता है कोई भी चीज। जैसे कि आप PDF बनाते हैं, इमेज को आप बैकग्राउंड हटाते हैं या फिर इमेज को रिजोल्यूशन कम करते हैं, जैसे कि 5 MB की इमेज को 3 MB करते हैं, या फिर PDF बनाते हैं, वर्ड चलाते हैं, एक्सेल चलाते हैं, आपको इनके अलग अलग ऐप डाउनलोड करने पड़ते हैं। पर अगर मैं कहूँ कि आपको सिर्फ गूगल पर जाकर कुछ वेबसाइट को सर्च करना है, तीन वेबसाइट को सर्च करना है और आपको सारे काम हो जाने वाले हैं विदिन 3 सेकंड, मतलब हर एक वेबसाइट ज्यादा से ज्यादा 3 सेकंड लेगी कोई भी आपका काम करने में, चाहे PDF बनानी हो, बैकग्राउंड रिमूव करना हो या फिर कोई भी पिक्चर को फिक्स करना हो। ठीक है गाइस, तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि आज मैं किन तीन वेबसाइट्स के बारे में बताने वाला हूँ। जिनको बताया वो अच्छी बात है, जिनको नहीं बताया वो देखने वाले हैं, और आप देखिए और एंजॉय कीजिए इस चीज को। आई होप आपको कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा और आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा काम आएंगे। ठीक है, इससे वीडियो शुरू करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो बिना देर किए चलते हैं अपने फोन की स्क्रीन। तो गाइस, अब आ गए हैं अपनी फोन की स्क्रीन पर और मैं आपको बताने वाला हूँ वो तीन वेबसाइट जो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा काम आती है, चाहे आप स्टूडेंट हो या फिर एक एल्डर पर्सन हो जो बिजनेस कर रहे हो या फिर कोई जॉब कर रहे हो। जब भी आप एक कंप्यूटर फोन पर वर्क करते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें आपको चाहिए होती है। अगर हम पिक्चर में ही बात करें, पिक्चर को एडिट करना, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स आज बहुत पिक्चर एडिट करते हैं, फॉर्म फिल करने में या फिर किसी डॉक्यूमेंट को फिलअप करने में तो पिक्चर्स की जरूरत होती है। कभी उसका बैकग्राउंड हटाना होता है, कोई PDF बनानी होती है, कोई JPEG से IF में बनानी होती है या फिर PNG में बनानी होती है या फिर उसको आपको रिसाइज करना होता है। तो आज मैं पिक्चर से रिलेटेड ही आपको तीन वेबसाइट बताने वाला जो आपके टाइम भी बचाएंगी, जो आपको ऐप भी डाउनलोड करने से बचाएंगी और आपको एक तरह से स्मार्ट तरीके पता चलेंगे कुछ कोई भी चीज को करने के। ओके, तो तीन वेबसाइट की तरफ बढ़ते हैं। तो पहली जो आपकी वेबसाइट है वह ILovePDF, तो सर्च करते हैं सिंपली आपको क्या करना है, आपको अपने गूगल पर जाना है और जाकर ILovePDF सर्च कर लेना है। तो ILovePDF जब सर्च करेंगे तो आपको अपना जो पहला ऑप्शन मिल रहा है ILovePDF लिखा हुआ आ रहा है तो उसी पर जा रहा है। तो यहाँ पर हम इसके फीचर्स पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करता है, JPG इमेज से PDF बना लेता है, PDF से वर्ड फाइल बना लेता है, कंप्रेस कर लेता है PDF फाइल को, कन्वर्ट कर लेता है वर्ड टू PDF, मर्ज कर लेता है PDF फाइल को और PDF से JPG भी बना लेता है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। तो सिंपली क्लिक करने के बाद हम इस वेबसाइट के अंदर पहुंच जाते हैं जहां पर हमें सारे ऑप्शन जो कि मैंने आपको बताए हैं कि PDF को तोड़ना, PDF को जोड़ना, उसको कंप्रेस करना, मतलब कम क्वालिटी में कर लेना, ओके, वर्ड में ले जाना। देखिए आपको क्या करना पड़ता है, PDF बनाने के लिए एक PDF मेकर आपको डाउनलोड करना पड़ता है, ओके, और वर्ड में बनाने के लिए आपको वर्ड एक्सेल या फिर ऐसी कुछ चीजें, पावर पॉइंट आपको जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ भी चीज डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, विदिन अ 3 सेकंड्स, यकीन मानिएगा विदिन अ 3 सेकंड्स आप कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कोई भी PDF बना सकते हैं, कोई भी चीज को मर्ज कर सकते हैं, एक्सेल में, वर्ड में पेज कर सकते हैं, वाटरमार्क तक लगा सकते हैं, अपना अपनी वेबसाइट भी लगा सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मतलब जो भी चाहे वो कर सकते हैं। इट इज अ बेस्ट वेबसाइट इन द गूगल फॉर मेकिंग द PDF और टू JPG इमेजेस टू द PDF। ठीक है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं सिंपली बाय क्लिकिंग ऑन जो भी आपको जो चाहिए, मतलब क्लिक करेंगे सिंपली आप अपनी इमेजेस जोड़ेंगे, PDF बनकर आपको 2 सेकंड के अंदर मिल जाती है, मतलब आपको यकीन भी होगा कि 1 मिनट के अंदर आपका सारा काम खत्म। 1 मिनट तो आपको ऐप डाउनलोड या ऐप ढूंढने में लग जाएगा कि कौन सा ऐप अच्छा होता है PDF के लिए। तो आपको आई थिंक पहला मेरी वेबसाइट बहुत ज्यादा पसंद आई होगी और अगर पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए। ठीक है, तो बढ़ेंगे अपनी सेकंड वेबसाइट की तरफ। तो आज की जो सेकंड वेबसाइट है वो है आपकी remove.bj.com। तो remove.bj
तो रिमूव बीजी को हम यहाँ पर सर्च करेंगे। रिमूव बीजी की फुल फॉर्म होते हैं रिमूव बैकग्राउंड। तो आपको बहुत बार जरूरत होती है, देखिए बहुत सारे यूट्यूबर्स होते हैं या फिर बहुत सारे एडिटर्स होते हैं या फिर कभी कभी आपको नॉर्मली भी अपना बैकग्राउंड हटाने की जरूरत पड़ जाती है, पीछे का बैकग्राउंड हटाना होता है। तो ये remove.bg.com एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर आपका बैकग्राउंड फ्री हट जाता है विद इन अ 3 सेकेंड्स। कहने का मतलब यह है, मैं आपको एक तरह से प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से यहाँ पर हमारा एक ये हट जाता है। तो कुछ इस तरह से आपकी वेबसाइट होगी, पहले आप क्लिक कर लेना, फिर यहाँ पर आपको अपलोड इमेज करनी है। अपलोड इमेज करके आपकी गैलरी में पहुँच जाते हैं, हम पहली इमेज को ही सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, फिर डन कर देते हैं यहाँ से। ओके, डन करने के बाद ये अपलोडिंग होगी और आपका लिटिल बिट टाइम लेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकेंड्स आपको ले लेते। देखिए 30 सेकेंड्स भी नहीं ले, इसने मुझे कंप्रेस करके मेरी इमेज को दे दिया, मतलब पूरा बैकग्राउंड हटा दिया। मैं यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकता हूँ और कहीं भी इसको लगा सकता हूँ, किसी भी बैकग्राउंड पर लगा सकता हूँ। जो पिक एडिट करते हैं उनके लिए ये मान लीजिए बहुत ज़्यादा बेस्ट वेबसाइट है। देखिए आपने 5 सेकेंड के अंदर अंदर मेरी बैकग्राउंड हट गया, वरना आप बहुत सारे ऐप्स का यूज़ कर सकते और पिक को जूम कर करके वहां से इरेज करते हैं, ब्लर करते हैं, फिर बैकग्राउंड हटाते हैं, कितना कितना टाइम लग जाता है। यहां पर मुझे कितना टाइम लगा, गिनती के 5 सेकंड्स। तो आई थिंक आपको इस सेकंड वेबसाइट भी अच्छी लगी होगी, बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी। तो मैंने बताया था ना कि मैं 3 वेबसाइट आपको ऐसी बताने वाला हूं जिससे कि आपकी लाइफ बदल जाएगी। ओके, तो ये सेकंड वेबसाइट थी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए। ओके, तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब बढ़ते हैं अपनी थर्ड वेबसाइट की तरफ। तो थर्ड वेबसाइट है हमारी fixpicture.original। तो यहां पर सर्च करते हैं fixpicture। ओके, तो ये fixpicture.origin सर्च करेंगे, पूरा आपको गैप नहीं देना है fixpicture.origin पर। जब आप इसको सर्च करते हैं तो कुछ आपका ये खुलकर आ जाता है। अब fixpicture.original का आपका काम क्या होता है, देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि आपको अपना ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है और ऑनलाइन फॉर्म में वो कह रहा होता है कि आपको इतनी ही, मतलब जैसे 3 MB 4 MB की ही इमेज भरनी होती है और आप अपने फोन से क्लिक करते हैं तो वो एटलीस्ट 15 MB 20 MB हो जाते हैं। जब आप हाई मेगापिक्सल में हाई उसके साथ करते हैं तो वो तो हो नहीं पाता है। तो यहाँ पर हमारे क्या करता है ये क्वालिटी में पिक्चर आपको क्या करता है कि आपको बहुत सारी चीजें देते हैं। देखिए ऑप्शंस देखते हैं हम इस चीज के, तो हमें ये रीसाइज का ऑप्शन देता है जैसे कि हम 760 मेगापिक्सल में और स्मॉल भी कर सकते हैं, रोटेट भी कर सकते हैं, इसमें इफेक्ट भी डाल सकते हैं जैसा हम चाहें, और आउटपुट हमारा जेपीजी में भी आ सकता है, पीएनजी, PDF, यहाँ से भी GIF, वेब पेज, हम कुछ भी बना सकते हैं जो हमें समझ में आए, जो हमें अच्छा लगे हम कुछ भी बना सकते हैं। सिंपली यहाँ पर हम ब्राउज करके इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। JPG क्वालिटी में हम सिलेक्ट कर सकते हैं, देखिए मैं बता देता हूँ JPG क्वालिटी गुड बेटर बेस्ट हो सकती है। और ये कुछ आपको ऑप्शंस मिलते हैं रीसाइज का, रोटेशन का, इफेक्ट का, बहुत ज़्यादा सिंपल वेबसाइट है जहाँ पर आप अपनी पिक्चर को रीसाइज कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं बिना किसी ऐप के, कि आप ऐप डाउनलोड करते हैं, कैनवा करते हैं या फिर आप पिक्सआर्ट करते हैं, बहुत 60 MB के ऐप होते हैं, इनको डाउनलोड होने में 5-10 मिनट लग जाते हैं और आपको जल्दी से इमेज अपलोड करनी होती है। तो आपको सिंपली क्या करना है, fixpicture.original.com पर जाना है और वहां से एकदम अपनी इमेज को फिक्स कर लेना है। तो आई होप आपको ये तीनों वेबसाइट बहुत ज्यादा अच्छी लगी होंगी, और मेरे हिसाब से तो हर किसी की लाइफ में तीनों वेबसाइट बहुत ज्यादा अच्छी होती हैं। कोई भी आप वर्क कर रहे हैं, कंप्यूटर पर कर रहे हैं, फोन पर कर रहे हैं, या फिर आप नहीं भी करते हैं, फिर तो अपनी पिक को एडिट तो करता ही होगा, हर कोई करता है अपनी पिक को एडिट, तो उनके लिए तीनों वेबसाइट बहुत ज्यादा ही जरूरी है। ओके, तो अगर आपको तीनों वेबसाइट पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तो यहां पर हम इसको फिनिश करेंगे और चलेंगे अपनी मेन स्क्रीन पर। तो गाइस आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे, तीनों वेबसाइट्स आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताइए। आई होप आपकी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल वेबसाइट्स मैंने बताई हैं आपको, और खुद के मैंने जैसे कि बताया था कि चाहे आप छोटे हो या बड़े हो, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स होने वाली है। आप पिक एडिट करते हैं, कंप्यूटर पर कुछ वर्क करते हैं, स्कूल का कुछ वर्क करते हैं, आपको PDF वगैरह इमेजेस वगैरह की जरूरत पड़ती ही है। तो आपको ये वेबसाइट्स कैसी लगी आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट करके मुझे बताइए वीडियो कैसी लगी, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड बिकॉज इससे हमारा मोटिवेशन मिलता है, इसीलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।